नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अग्रवा मेडिकल में 100 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज तथा मैनेजमेंट की देखरेख में फतेहाबाद के डॉक्टरों का बड़ा हौसला। रेफर करने के बजाय अब खुद ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने का लिया फैसला। बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज अब फतेहाबाद में ही संभव होगा। इसे संभव बनाने का फैसला लिया है फतेहाबाद के डॉक्टरों ने। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन और कोविड 19 महामारी की निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी डॉक्टर हनुमान ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्रहा मेडिकल कॉलेज में 3 जिलों के करीबन 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज मैनेजमेंट की देखरेख में फतेहाबाद के डॉक्टरों का हौसला बढ़ा है और वो करने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ के डॉक्टरों ने फैसला लिया है कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज हम डॉक्टर्स खुद करेंगे। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हनुमान ने बताया कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फतेहाबाद से अब अग्रवा मेडिकल रेफर नहीं किया जाएगा और इन मरीजों को फतेहाबाद में ही कोविड 19 अस्पतालों और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए कोविड 19 में ही रखा जाएगा। डॉक्टर यहाँ इनका पूरा इलाज करेंगे। डॉक्टर हनुमान ने डॉक्टरों के हौसले को सलाम किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी डॉक्टर अपने मिशन में कामयाब होंगे। वहीं फतेहाबाद में फिलहाल अग्रवाल धर्मशाला में बनाए गए कोविड 19 आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज भर्ती है जिसका इलाज यहां के डॉक्टर कर रहे हैं। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। जितने भी अभी तक हमारे जिले के अंदर जो कोरोना के पेशेंट आए हैं वो उनको किसी का भी लक्षण नहीं है, लेकिन जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज में है वहाँ 3 जिलों से पेशेंट हिसार से, शिक्षा से और फतेहाबाद से 3 जिलों के पेशेंट वहाँ एडमिट किए जा रहे हैं, तो लगभग 100 के आसपास वहाँ मरीज दाखिल हो गए हैं। तो पहले थोड़ा संशय भी रहा डॉक्टरों को कि भैया ये कोरोना कैसे मतलब कि मैनेजमेंट किस तरह से की जाएगी, तो अब अग्रवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जैसे मैनेज किया उनको, तो उनको मैनेज करके मैनेजमेंट देकर हमारे डॉक्टरों का भी हौसला बरकरार हुआ है और हमने भी यह निर्णय लिया है कि जो भी सिम्टम फ्री पेशेंट होंगे जिनको कोई भी लक्षण नहीं होगा उनको हम यहाँ भर्ती करेंगे और उनका इलाज। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा सर इलाज? ये जो भी हमारे कोविड हॉस्पिटल्स बना रखे हैं हमने उनके अंदर होगा। अग्रवाल धर्मशाला फतेहाबाद बनाया हुआ और ये पंजाबी सभा हॉस्पिटल, ये सभी हमारे कोविड। तो सर टोटल कितने बेड होंगे आइसोलेशन वार्ड में कोविड हॉस्पिटल में? 25 के आसपास तो इधर है अग्रवाल धर्मशाला में और इतने 20-25 के आसपास इधर है। अब तक केस कितने आए सर? अभी पूरे जिले में 24 के आए, लगभग पेशेंट आया हमारे पास। तो यहाँ फतेहाबाद में एडमिट है सर कोई? एक पेशेंट एडमिट है अग्रवाल धर्मशाला फतेहाबाद में, एक पेशेंट है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मानसिंह, डिप्टी सीएमओ फतेहाबाद।